तो छेल्ला घणा સમયથી ડીસા તાલુકામાં લંપીગ્રસ્ત ગાયોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે। ત્યારે ડીસા તાલુકાના થેરવાડા ગામે યુવકો દ્વારા ગાયોને લંપી વાયરસથી બચાવવા માટે આયુર્વેદિક લાડુનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। तो डीसा सहित समग्र बनासकांठा जिला में छेल्ला घणा समय थी लंपीग्रस्त गायों की संख्या में सतत वधारो थई रह्यो छे। जेमां रोजे रोज वधता गायों में लंपी वायरस ने कारण अत्यार सुधी में असंख्य गायों मौत ने पण भेटी चूकी छे। अंबाता जता लंपी वायरस ना कहर ना कारण पशुपालकों ने पण पोतानी गाय मौत ने भेटता मोटो नुकसान वेठवानो वारो आवे छे। जेमां जिला वहीवटी तंत्र पण पशुओं में वधता जता लंपी वायरस ने अटकाववा माटे वेक्सिन आपवानी शुरुआत करी छे। तेम छतां पण सतत पशुओं में संक्रमण वधी रह्युं छे। त्यारे हवे थेरवाडा गामना युवकोए लंपी वायरसथी पीड़ित पशुओं ने बचाववा माटेनुं अभियान शुरू कर्युं छे अने लंपीग्रस्त पशुओं ने आयुर्वेदिक दवाओ आपवानी शुरुआत करी छे। ते उपरांत पण थेरवाडा गामना युवानों द्वारा लंपीग्रस्त गायों ने बचाववा माटे जाते ज थेरवाडा गाममां आवेल स्मशान भूमि खाते 150 जेटली गायों ने लावी सारवार आपवानी शुरुआत करी छे। तेरे चौक्सती कही सकाय कि जे प्रमाण सतत लंपी वायरस थी पशुओं मौत थे छे तेने बचवा माटे आ युवानों एक सेवाकीय अभियान शुरू करता लोको पण तेमनी आ सेवा ने बिरदावी अने तेमना अभियान में जोड़ाई रहा छे अने वधुमां वधु पशुओ बचे ते माटे सेवा करी रहा छे। बनासकांठा जिल्ला में छेल्ला घणा समय थी एक लंपी करीने एक वायरस पैदा थयो छे गौ माता ने तेमां केटली गायो ना मौत पण भेट्या छे। त्यारे अमे थेरवाड़ा गाम में गौ सेवा समिति द्वारा एक अभियान शुरू करवामां आव्युं छे। देशी दवा आयुर्वेदिक दवा नाखीने लाड़ू पण वितरण कर्युं छे। आजूबाजूना गामनी अंदर में एवा गाम के थेरवाड़ा बाईवाड़ा विठुधर जावल एवी बीमार गायों ने पण अमे सारवार पण आपी छे। अंजाद अमे 300 जेटली गायों ने अमे सारवार पण करी चूक्या छे ने आज रोज अमे थेरवाड़ानी आजूबाजू में जेटली रखड़ती गायों थी तेमे अमारी एक शमशान भूमि अंदर में भेगी करीने तेने पण सारवार आपी छे। लंपी नामनो वायरस ने नाश थाय तेवी पण भगवान ने पण अमे प्रार्थना करीए छीए अने हूँ सौने पण अपील करूँ छूँ के गामे गामे मित्र मंडल बनाई अने गायों माटे तमे सारवार आपो अने गायों नी सेवा करो। राकेश ठक्कर साथे लाइव 24 न्यूज़ डीसा।